दिल्ली का रुख करते हैं। प्रेरित, ये बताइए दिल्ली से क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जितने कदम अभी तक उठाए गए वो काफी साबित नहीं हो रहे, लगातार मामलों में काफी तेजी से इजाफा। ये बिल्कुल करुणा, राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं और जिस तरह से नए मामले आ रहे हैं कि हालात बेहद ही खराब नजर दिख रहा है दिल्ली में। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल लगातार लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो कोविड 19 के जो प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरे पर मास्क लगाना है, इन चीज़ों का ख्याल रखें, लेकिन उसके बावजूद साफ तौर पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। यही वजह थी कि पश्चिमी दिल्ली के नागलोई में दो मार्केट को बंद किया गया है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर लोग अगर इस चीज़ को लेकर के जागरूकता नहीं दिखाते, अपनी गंभीरता नहीं दिखाते हैं, तो और भी मार्केट को बंद किए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कल 121 मामले आए, परसों की बात करें आपको शनिवार को तो 111 मामले आए, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में इतने भयावह आंकड़े आ रहे हैं कि दिल्ली से सटे जो भी सीमावर्ती राज्य हैं उनकी भी चिंता बढ़ने लगी है। खुद सीएम योगी ने भी कहा है कि राजधानी दिल्ली से जो लोग आएंगे उनकी जांच की जाएगी, कोविड टेस्ट किए जाएंगे। तो बैठकें की जा रही है राजधानी दिल्ली में भी कोरोना को काबू में करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों में जो गंभीरता होनी चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ रही है। और जो हमारे कैमरे में भी कैद हो रहा है, ये साफ नजर आ रहा है कि सख्ती जरूर बरतने की बात हो रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का वैसे पालन नहीं हो रहा जो होना चाहिए। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।